ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सनम, तुम रिजाइन नहीं कर सकती। सच में? लेकिन वो क्यों? तुम रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम पर कंपनी के थोड़े पैसे उधार है, तुम्हें वो वापस करने होंगे और उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो अब कंपनी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, है ना? ये हर वक्त मुझे याद दिलाना जरूरी है क्या? मुझे सब पता है और वो सब मैं पे भी कर दूंगी। एक मिनट, आप यही रुकिए, मैं अभी आपको पे करती हूँ। हाँ, अभी पे करती हूँ, एक मिनट यही रुकिए, अभी देती हूँ आपको। ये लीजिए सनम, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये कॉइन्स का क्या करूँगा मैं? और ये तो हमारी करेंसी भी नहीं है, क्या क्या करूँगा मैं? हेलो सनम बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आइए ना, क्या दो आपको? 5 अंडे और सॉसेजेस। हाँ मिस्टर फैजुल्ला, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। बेटा मैं सदुल्ला हूँ। अरे ये तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मैं कर सकती हूँ, अब इसे पैक कर देता हूँ। मिस्टर जान, ये क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा फैजुल्ला नहीं सदुल्ला, और 5 अंडे भी तो चाहिए। हाँ, अभी ला कर देता हूँ सर। वैसे मैं नया लेटर लिख सकती हूँ। सनम, मैं शायद खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे का कुछ नहीं, लेकिन आप यहाँ उसकी याद दिलाने तो आ गए ना। इस वक्त पैसे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सनम। लाइए मैं पकड़ती हूँ सदुल्ला। ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा सिर्फ 5 चाहिए। कंपनी का प्रमोशन चल रहा है इसलिए ये रखिए प्लीज। क्या बात है बेटा, इसे यहाँ नौकरी पर रख लो। मेरी बेटी होती ना तो मैं अपना दामाद बना लेता। क्या मिस्टर सदुल्ला, कुछ भी कह रहे हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर सदुल्ला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम समझ नहीं रही हो, उसको हाथ भी मत लगाना, आवाज तो बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, हमें एक कैंपेन मिला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कैंपेन पर आकर काम करो। सच में? अच्छा है, इससे आपका अच्छा हो जाएगा। हमने भी कैंपेन शुरू किया है, हमने भी कार वॉश में पानी खरीदना शुरू किया। मुझे एक किलो राइस चाहिए और एक डिटर्जेंट। हाँ हाँ जी आंटी जी, मैं देता हूँ। तुम डिटर्जेंट दो, मैं यहाँ से चावल देता हूँ। मैं चावल भर रहा हूँ। हाँ मिस्टर जॉन, क्या आपने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह का चावल चाहिए? नहीं तो पूछना जरूरी होता है। बिल्कुल होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि सारे चावल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग भी होते हैं। अरे ऐसे कैसे अलग होते हैं? अरे बेटा, हर डिश में अलग अलग चावल इस्तेमाल होते हैं। तो अब क्या करूं? फेल हो गए, और क्या, आपके बस का काम नहीं है ये। अरे पहली बार है, माफ करो मुझे उसमें। अरे आई एम सॉरी, ये चारों तरफ फैल रहे, तुम संभालो। मैं क्या करूं? मैं ये पैक यही रख देता हूँ, ये भी अच्छा है, कोई ना कोई तो ये वाले भी खरीदेगा ना। तो कोई बात नहीं, मैं अभी देता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ कि चावल भरना कितना आसान है। एक मिनट, ये देखो, ये ऐसे लिया, अंदर डाल दिया, ऐसे लिया, अंदर डाल दिया। असिस्टेंट को एक मिनट, अभी देता हूँ। इतना ज्यादा भी मत भरिए मिस्टर जॉन। कोई बात नहीं, आज प्रमोशन है। हमारे पास लॉन्ड्री कंडीशनर के लिए भी एक प्रमोशन है, अगर आप 2 खरीदते हैं तो 1 का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो बहुत ज्यादा भर दिया। आप लीजिए मैडम, पूरे मोहल्ले को खिलाइएगा। और हाँ, हम भी तो आपके यहाँ आएंगे। नीचे गिर गया, मुझे दीजिए। अच्छा सनम, तुमने उनको डिटर्जेंट तो दे दिया ना? हेलो, हाँ, तो कैसी हो तुम? आइए ना, क्या दो आपको? एर्ज़न चीज है क्या? एर्ज़न जान चीज मैं अभी लेकर आता हूँ मैडम। मैं चाहिए चिमलिक्स के आधा किलो। ठीक है ठीक है, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। सनम ये कौन सा वाला चीज है? यहाँ पर लिखा है, काश जरा इन पर भी नजर डालिए, या एक एक करके पूछ लीजिए। नया है क्या ये? नहीं पुराना है। नया ही है। अच्छा मिस्टर जान, मैं कर लेती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो, तुमने थूका क्यों इस पर? यहाँ पर रख दो। ये हमारा पुराना ट्रेडिशन है, झगड़ा नहीं होता इससे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते।
सच में ऐसा क्या? मुझे पता नहीं था, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। कितना अच्छा है ना, मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। थू थू, कम से कम हम परेशान तो नहीं होते, शांति से तो रह पाते हैं कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें से कौन से ऑलिव्स हैं जेमलेक्स के? अरे वो नहीं, मुझे जेमलेक्स के ऑलिव्स चाहिए। अच्छा ये वाले, मैं दिखाती हूँ, ये रहे। ठीक है ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं भर देता हूँ। ये मिल गए बहुत सारे, बहुत हो गए, नहीं चाहिए मुझे बस। मैम आज हम ऑलिव्स का प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ले जाइए। आज हम टोटल प्रमोशन पे हैं। आपको पता है ऑलिव्स कितने हेल्थी होते हैं? जितना खा सकते हैं उतना खाइए, ज्यादा हो जाएंगे। वाह कितना बढ़िया काम किया है, आपके हाथ काम करते थकते नहीं। मुझे तो लगता है हम एक बहुत अच्छी टीम है। सनम यू नो हम बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेरा मतलब तुम और मैं। हाँ हाँ बोलिए। अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हारे अप्रेंटिस की हैसियत से नहीं बोलूंगा। अच्छा। बल्कि तुम्हारे बॉस की हैसियत से बोलूंगा, और इस बार मैं सीरियस हूँ, ओके? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम कंपनी में वापस आओगी, ओके? कंपनी में काम भी बहुत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, सच कहूँ तो। सच में? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी वहाँ देखना ही नहीं चाहते। मैं अपसेट था। तो अब रिलैक्स हो आप? प्लीज टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है मैं वापस आती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। यही कि आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाओगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। एक बात और। आपके कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में। ठीक है। अच्छा क्या ये एप्रन निकाल दोगी प्लीज? हाँ। ये इसे हाँ। ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना, मैं जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे मिस्टर जान। रुकिए जरा। हाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे सूजी चाहिए, किसी का फ्यूनरल है, हलवा बनाना है। आपके यहाँ खुशियाँ आए। ये क्या कह रही हो तुम? इससे आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही जवान था, सिर्फ 80 साल का था। सच में? हाँ, क्या अभी उम्र ही क्या थी उसकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो तुम? मैं सो नहीं पाया, तुम बड़ी खुश लग रही हो। मैं भी पूरी रात नहीं सोई एम्रे, बस इसी बारे में सोच रही थी कि हम कैसे कंपनी वापस ले सकते हैं। मैंने बहुत सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही आसान है, और इसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं होगा, एक छोटा सा काम करना होगा बस। तुम्हें सिर्फ अपने मॉम या डैड को बुलाना होगा बस। आइलैंड बस करो, मैं ये बकवास और नहीं सुन सकता। एमरे मेरी बात तो ध्यान से सुनो,
तुम्हारी मॉम के इस कंपनी में 40% शेयर्स हैं और तुम्हारे डैड के भी उतने ही हैं, राइट? सही कहा, पर तुम नहीं जानते कि उन शेयर्स का चार्ज मेरे भाई के हाथों में है, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैं जानती हूँ। देखो तुम अपने डैड को कॉल करके ये बताओ कि कंपनी की हालत बहुत खराब है और तुम्हें वो सारी अथॉरिटी दे दें। आइलिन तुम मजाक कर रही हो ना, मेरा भाई मेरे डैड को फोन करके बता देगा कि मैंने रिश्वत देकर कैंपेन लेने की कोशिश की, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम यही चाहती हो? उन्होंने सोचकर ये सब किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, तुम उन्हें छोड़ो, तुम अपनी मॉम को कॉल कर लो, मिसेस हुमा को, वो तो तुम्हें समझती है ना। तुम्हें मेरे भाई के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? वो मेरी मॉम से बात नहीं करता है। तुम चाहती हो कि मैं मॉम का इस्तेमाल करूं और जान मुझसे और नफरत करने लगे? एमरे तुम बहुत कमजोर इंसान हो, तुमने कंपनी के लिए इतने साल काम किया है, अगर जान तुम्हारी मॉम से बात नहीं करता तो उसे एजेंसी को मैनेज करने का कोई हक नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आसान है, अपनी मॉम को कॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। आइलिन 40% की कोई अहमियत नहीं होती, मेरे पास 90% शेयर्स होंगे तभी वो मुझे माफ नहीं करेगा। मैं अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करूंगा, अब बहुत हो गया, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता, समझ गई तू? वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है ना? हाँ फोन दो, नाश्ता अच्छे से करना। निहार, सैनम ने सच में जॉब छोड़ दिया है और वो शॉप में वापस आ गई है। मुझे जानना है कि मिस्टर जान और उसके बीच में आखिर हुआ क्या है। मैं कॉल करके उसको पूछूंगा। तुम कितनी होशियार हो मेविक, में हम उसे कॉल करके अपनी बेटी के बारे में पूछेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या, इस तरह कोई अपनी बेटी के बारे में बात करता है? वो उसकी लाइफ जी रही है, जीने दो उसे ना, कुछ भी बात करती हो। हाँ पता है अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर क्या हुआ था। लैला भी कुछ नहीं बता रही, अयहान से पूछती हूँ, ये भी कोई बात हुई? बच्चे प्रॉब्लम में हो और मैं उनसे पूछूं भी ना, इतना तो हक बनता है ना एक माँ होने के नाते, मैं पूछ के रहूंगी। मेरे तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या सरम को जानती नहीं हो तुम? वो खुद में रहती है, जो जी में आया करती है, उस एजेंसी का काम उसके लिए शायद कुछ ज्यादा बोझ लगता हो उसे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे पता है कि वो वहाँ काम करके खुश नहीं थी। जरूर चाबी देना, देखो हमारी ग्रोसरी हमारे लिए बहुत है मिल्के, हम वहाँ अपनी मर्जी से बैठते हैं, वक्त फिक्स है हमारा, हाँ अपना काम करो, मस्त रहो। हाँ ठीक है, आता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, बिल्लियाँ भूखी प्यासी हैं इस सुन की वजह। जानती हूँ मैं सॉल्व करूंगी इस प्रॉब्लम को, और पानी और खाना सब कुछ सॉल्व करूंगी। अगर तब तक उन सबको कुछ हो गया तो अब क्या मैं तुम्हें अपनी शॉप में बैठ के खिलाऊं? क्या बात कर रही हो, करूंगी ना। फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, पड़ जाते हैं। मैं बे, क्या हमें रास्ता नहीं धोना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से क्लीन हो जाए? कितना मजा आएगा ना, पूरे रास्ते में झाग ही झाग। ये काम हम सब मिलकर समर में करेंगे, पूरा मोहल्ला एक साथ साफ करेंगे, ठीक है? ज्यादा अच्छा होगा। अभी एक मिनट फोन बजा। हाँ प्रेसिडेंट मेयर के भी मेरे साथ में ही है, एक मिनट होल्ड करिए, मैं अभी फोन देता हूँ उनको। हाँ कौन कॉल करेगा मेयर के भी? कोई नहीं है, तुमने सुना नहीं उस औरत ने क्या कहा? मेयर के भी बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बातों को समझा करो। अब चलो शॉप में जाना है, चलो। ठीक है हाँ अब आ गए, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? एजेंसी में। एजेंसी में? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने रिजाइन कर दिया है, तो अब क्यों? मुझे उनके कुछ पैसे चुकाने हैं तो काम करना। तुम्हें उनके पैसे देने हैं? ये कोई एजेंसी है या कोई माफिया है जो पैसे देने हैं तुम्हें? बेटा तुमसे बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम उदास मत हो। हाँ सही है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, हम उनका पैसा चुका देंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रईस वैसे भी बहुत लालची होते हैं, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी कोई बात हुई? तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, चिंता मत करो। डर आप नहीं, आप तो हमेशा ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, लेकिन इस वक्त मैं करूंगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे काम पर जाना होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, डैड भरोसा रखिए। ठीक है मैं आती हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती। मैं खुद जाकर मिस्टर जान से बात करूंगा कि जो भी पैसे सनम पर निकलते हैं वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और उन पैसों को मैं मंथली पे कर दूंगा। नहीं, अगर हमें
पे करना है तो एक ही साथ पे करेंगे, मंथली नहीं। सही है, लेकिन ये अमाउंट बड़ी है। हाँ वो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह रास्ता निकालना होगा। मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से मेरी बेटी बाहर जबरदस्ती काम करे। मैं कहीं से पैसे ले आऊंगा और पे कर दूंगा वो। हम कर देंगे निहात, कर देंगे हम लोग। हेलो मिसेज हुमा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, हम ज्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे। मैं बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी इसलिए कॉल कर लिया। आप इस्तांबुल आते ही नहीं हैं आजकल। हाँ अब यहाँ पहले वाली बात भी नहीं रही। हाँ एम्ब्रे अच्छा है। नहीं नहीं बीमार नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ जान है। जब से उसने उसे जॉब से निकाला है तब से वो थोड़ा सा परेशान रहने लगा है, बस यही बात है। और इसके लिए परेशान होना ऑब्वियस भी है। हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रही हैं? आपको नहीं पता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लगा कि आपको सारी सिचुएशन पता है। हाँ आई एम सॉरी मैंने आपको ये बता दिया। ये बात एम्ब्रे को पता नहीं चलनी चाहिए वरना वो मुझ पर बहुत नाराज हो जाएगा। प्लीज उससे मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया। वो ये सारी बातें करके आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। दरअसल ये तब से शुरू हुआ जब से वो लड़की सनम यहाँ काम करने आई है। बहुत ही चाइल्डिश है, पता नहीं क्यों जान उसकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। गाइस वो देखो सनम आ गई। अपनी बकवास बंद करो या नहीं, जब देखो गॉसिपिंग करते रहते हैं आप। मेरी दोस्त आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा देख रहे हो सब लोग? जाओ काम करो। जी जी क्या है ये सब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गाइस चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ और काम शुरू करो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जरा भी मैनर्स नहीं है। बड़े हो गए हो लेकिन करतूते बिगड़े बच्चों की तरह करते हो। समझ नहीं आता तुम लोगों को? अपने आप को क्रिएटिव कहते हो ना और ऐसी हरकतें करते हो। सनम को क्या पहली बार देख रहे हो क्या? गाइस क्या आप लोग सिचुएशन को नहीं जानते? बहुत ही सीरियस मामला है। हाँ सीरियस है। ये लोग क्या करते हैं? बस कॉफी पीते हैं, बैठते हैं, कभी मोका कभी लाते तो कभी फिल्टर। बस मैं आप सबको वार्न कर रहा हूँ, काम पर लग जाओ वरना सब मुश्किल हो जाएगा। जी जी तुम अब ज्यादा नहीं बोल रहे हो, क्या हम कॉफी नहीं पी सकते? प्लीज ये कॉफी डायरेक्टली ब्राजील से आती है ठीक है, और वहाँ भी वो इतनी ज्यादा नहीं पीते। तुम लोग सीधा मशीन के पास जाओ, डायरेक्ट मुँह लगा कर पियो ठीक है ना? जी जी जरा खामोश हो जाओ प्लीज। एक बार जो मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मुझे सिर्फ मैं ही खामोश कर सकता हूँ और कोई नहीं। जी जी गाइस हमारी कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा जॉब मिलने वाला है, हमारी पूरी कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जॉब। मतलब हम कहीं आए जाए भी नहीं क्या? नहीं वो लोग आ रहे हैं इसलिए पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कितने अजीब लग रहे हो सब लोग। जी जी नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ यहाँ पर, मुझे इससे नफरत है। और देखो तुम मेरे हाथ फिर से सुन पड़ गए हैं, ऐसा हमेशा होता है। देखो अब जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। जे जे मैं ही क्यों मिस डेरन, मैं ही क्यों तुम ही होगी। तुमने एक भी गलती की जरा सी भी तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अरे बाप रे। समझ गए अब काम करो। देखा तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से मुझे निकालने की बात हो रही है। तुम सारे मैनरलेस लोग, तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अजीब है, तुम सारे खुश हो लेकिन मैं गिर रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से, आराम से। की वजह से मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगा। आपकी चाय लाई हूँ। थैंक्स सर। मैं मिस कर रहा था। मैं भी। चाय को। मैं भी। गो आउट। क्या कहा? गो आउट या आउट यू गो।
मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, ये एक स्लोगन है, स्लोगन जिसे इस तरीके से लिखना है। जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं ना, वो है कॉम्पस स्पॉट। उनको अपना फोकस रखना है स्पोर्ट्स और आउटडोर्स दोनों पर, तो गो आउट या आउट यू गो, क्या कहती हो तुम? गो आउट। ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए, गेट द हेल आउट, आपके लिए नया नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, सरकास्टिक बन रही हो तुम। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके ओके, लेकिन ये ना बिजनेस है, हमें इसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है, बहुत ही सही तरीके से काम करना होता है ना, ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव? हाँ। मिस्टर जान, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो मैं इस पेपर को पैनल के सामने फाड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जरा सॉरी, लेकिन क्यों? अजीब सा है, मतलब काफी निगेटिव नहीं लग रहा, जैसे कह रहा हो कि जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना, या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, है ना? सनम, ये एक कोनोटेशन है जो आपको नेचर के साथ रहने पर मजबूर करता है। नेचर के साथ, नेचर के साथ रहो, ऐसा ही कहना है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते कि नेचर में रहो? तुम ये भी कह सकते हो कि नेचर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, या फिर चलो पिकनिक मनाए, आप जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कह देते हैं, और फिर लोगों के और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों को एक्सप्रेस करने दो, पहले ही उनकी भूमिका मत बनाओ। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसका कारण जानिए। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ मतलब इसमें सब मिक्स है। सनम, तुम बाहर जाकर एक राउंड मार के आओ, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है? हाँ, मीटिंग के लिए। इसे ही कहते हैं गो आउट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ये एडवेंचरस है, है? हाँ सही है, स्केटबोर्ड के साथ एडवेंचर भी, वो भी नेचर के साथ। ये मैं ले लेता हूँ, तुम दूसरी ले लो। चलेगा ना? थैंक यू। अच्छा तुम ये ले लो। नहीं मैं वो, मैं कोई भी एक ले लो और मुझे एक दे दो। अरे क्या कर रही हो, दो ना। ये रहे मिस्टर जान। हेलो, वेलकम। मैं जान दलित। हेलो, आज हम खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं। हम ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि आपकी क्रिएटिव टीम हमें कितना एक्साइट करती है काम। क्या बात है, आप सीधे काम की बात पर आ गए। प्लीज आइए, मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आइए बैठिए। हमारी पीआर मैनेजर भी साथ आई हैं, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेंगे। I'm sorry, I'm late. कोई बात नहीं, हमारी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। हेलो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हो? हेलो हेलो, तुमने मुझे इग्नोर कर दिया काम से। जान, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ कैसी हो तुम? यकीन नहीं हो रहा। गाइस, गामजे और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बिजनेस की बातें करेंगे। ऑलराइट, हाँ ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सनीम, पेपर फट जाएगा। सनीम सनीम सनीम, पेन टूट जाएगा। सनीम, क्या कर रही हो? सनीम सनीम, थैंक गॉड जिंदा हो। बाय, फिर आना। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू सो मच। आपकी चाय, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया निहात। मैं कुकिंग का काम फिर से शुरू करूं, हेल्प हो जाएगी तुम्हारी? तुमने ये काम पहले भी किया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं मिले। अरे वो तो एक ऐप की वजह से हुआ था ना, लोग कहते हैं स्मार्टफोन से बहुत काम होते हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मैं अपने आप ही कर सकती हूँ और मैं करूँगी भी। ये सब भूल जाओ बिल्कुल, हम सनम का कर्जा ऐसे नहीं चुका सकते, हमें प्रॉपर जॉब चाहिए इसके लिए। हमें जो करना पड़े हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। मुझे एसोसिएशन जाना है, मैं चलती हूँ। जाओ 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 जाओ। सुनो, जाओ और अच्छे से काम करना। थैंक्स निहार, बहुत काम है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और थकना नहीं है काम से? अरे मैं नहीं थकूंगी निहार। हाय हाय, क्या लहरा रही है, क्या बलखा रही है, वाह 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 वाह। वा।
मिस्टर जान, हम आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। आपको पता है ना कि 4 और एजेंसीज भी हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी ही डिसाइड करना। प्लीज डोंट वरी, हम इस वक्त भी आपके प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल, सी यू देन। सी यू, हैव अ गुड डे। हे, तुम नहीं जा सकती? मैं यही नहीं जाऊंगी। कितने वक्त बाद तो मिले हैं, बातें तो करनी बनती है ना। एक बात बोलूं, तुम अभी भी वैसी हो, लेकिन तुम काफी बदल गए हो। वैसे पहले से काफी हैंडसम हो गए हो। तुम चाय पियोगी? ऑफ कोर्स पियूंगी। चलो मेरे केबिन में चलते हैं। मैं बनाकर लाती हूँ चाय। हाँ, जल्दी। सनेम, ये तुम क्या कर रही हो? जरा शांत रहने की कोशिश करो। हमेशा लंबी टांगों वाली लड़कियाँ। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं, पर पता नहीं कि उनके बीच रिश्ता क्या है। मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं। मुझे शक है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मुझे शक तो है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन जी जी, हाँ बोलो। मुझे लगता है उसकी एक्स से, देखना। हाँ, हो सकता है, सही प्रेडिक्शन है। लड़की बहुत ही फिट लग रही है। हो सकता है दोनों कहीं पर टकराए हो, या हो सकता है किसी स्पोर्ट इवेंट में मिले हो, या फिर अमेज़न के जंगलों में, या फिर मिसिसिपी में मिले हो। वो दोनों कहीं पर भी मिले हो, अरे कहीं पर भी मिले हो, हो सकता है कि एक्स लव में फिर से आग लगी है। शायद इन दोनों का बिहेवियर देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो। मुझे यकीन है ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स ही हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमको नया जॉब मिलने वाला है, और जान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों से जुड़ने का। ओ हाँ, डेरेन, मुझे लगता था कि आप कहेंगी कि आपको शक है। सही कहा ना मैंने, है ना? मैं यहाँ तुम लोगों के साथ क्या गॉसिपिंग करने बैठ गई हूँ? ये मेरा काम नहीं है। जे जे, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। कभी कभार लोगों के साथ जाते जाते मैं ऐसी पागलों जैसी हरकतें करने लगता हूँ। उनकी तरफ देखो ना, एक बार देखो। लेकिन मैं कभी कभार ही करता हूँ। देखो तो उनकी तरफ। मुझे भी अभी शक है। अच्छा गामजे, ये बताओ, तुम इतने सालों से थी कहाँ? और तुम हमेशा से भागते रहे, ऐसे भागे कि मुझे फिर कभी मिले ही नहीं। ए, हमारी चाय आ गई है। आ जाओ सनम, आ जाओ। आओ आओ। चाय तो बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे चाय पीने की आदत लगी है। ओह, यहाँ बहुत डस्ट है। याद है हम रात भर कैंपिंग किया करते थे? हाँ, हम पोशन चाय पिया करते थे। आई रिमेम्बर। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो, मतलब आप इंडोर ही काम करते हो। जरा एक बार खुद को देखो, हाई हील्स, फैंसी ड्रेस, ये फैशन। और रहने दो, मैं जिस जान को जानती थी वो बहुत ही अलग था। हाँ, और वो गांव से कहाँ गई जिसे मैं जानता था, वो अमेज़न स्पिरिट वाली। अच्छा ये बताओ, बांबी क्या अभी भी कैंपिंग करती है या नहीं? ओ, मुझे बांबी मत बुलाओ ना, वो दिन कब के चले गए। अब मैं कैंपिंग नहीं करती हूँ, मैंने अपनी कार भी बेच दी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ तो गई थी, क्या दिन थे वो। मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जान। मैंने वैसी कैंपिंग उसके बाद कभी नहीं की। तुम चाहो तो फिर से अरेंज कर सकती हो, हम फिर से जा सकते हैं कैंपिंग करने। अच्छे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक काम करो, साफ सफाई अभी रहने दो, बाद में कर लेना। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। ओके, अभी जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ बहुत डस्ट है। अरे सनम, रहने दो, तुम्हें एलर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, अब तुम बार बार छींकती रहोगी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, जाकर अपने दूसरे काम करो ना, प्लीज। मुझे ये अच्छे से जानते हैं। मैं देखता हूँ, तुम्हारी बैक पर चोट लग जाएगी, बाहर निकलते वक्त संभल कर। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। ओके ओके, अच्छा एक चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर से चाय इतनी अच्छी नहीं होती, और ये बहुत चाय पीते हैं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ, बताइए क्या लेकर आऊँ। नहीं नहीं, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए, अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है ठीक है, मैं यही हूँ आपके आसपास, कुछ चाहिए तो बुलाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी जरूरत होगी। बड़ी अजीब सी लड़की है ना।
हाँ हाँ वो थोड़ी ऐसी है। कोई बात नहीं, मैं जाकर काम करूंगी। सनम, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं अब तुमसे डील नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हारे कॉमन सेंस की आवाज हूँ, मुझसे अलग मत होना। अरे वाह, क्या बात है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब तुम बोलना शुरू कर देती हो। कितनी खूबसूरत लड़की है, लंबी है, पतली है, कितनी सक्सेसफुल है और लंबी टांगे है, ऐसी 5 सनम के बराबर है वो। बहुत हुआ, बस करो बकबक। सनम, ये फिर से टूट गया। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे है तो ये मशीन बदलवा क्यों नहीं देते? इसके साथ बात कर रही थी तुम, फिर से जलन हो रही है क्या? किसी से क्या कर रही हो तुम? जलन होगी मुझसे, किससे जलूंगी? वो लड़की जो आई है कौन है? वो नई पोलन है क्या? किस तरह की लड़की है? वो कोई मॉडल है, वॉलीबॉल प्लेयर है, कौन है वो? कोई वैम्प है? ऐसी क्या है जो तुम इतनी परेशान हो गई हो? देखो, कोई वैम्प नहीं है वो, तुम उसे कैंप कह सकते हो। कैंप? कैंप मतलब तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो सनम? काश मैं तुम्हें जवाब दे सकती, लेकिन मुझे नहीं पता। एहान का कॉल है, मैं उसे बात नहीं करना चाहता। एहान का कॉल है, बात करो ना। नहीं, वो उस बॉक्स से बाहर आई थी, वही मेरी डेस्टिनी है, इसलिए मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता। तुम उसे जवाब दो ना, फोन मैं नहीं दे सकता। अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो हमें मिलना पड़ेगा, मिलेंगे तो हम लवर्स बन जाएंगे, लवर्स बनेंगे तो शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, और उन बच्चों के और छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं दादाजी बन जाऊंगा। इसीलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, समझ रही हो ना तुम? अगर मैंने स्लाइड किया तो समझो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जिस पल मैंने स्लाइड किया समझो मैंने अपनी जिंदगी से स्लाइड कर लिया। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ठीक है, मत जवाब दो, मैं भी बात नहीं करूंगी। हेलो अयहान, कैसी हो तुम? मैं उस रास्ते पर जाना चाहती हूँ जहाँ मेरा दिल जाना चाहता है, लेकिन क्या करूँ, उस रास्ते पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं जीजी तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। इस वक्त तो वो खुद के पास भी नहीं पहुँच सकता। क्या वो इस वक्त तुम्हारे साथ है? नहीं, अभी नहीं है। तुम्हारा कॉल आया तो वो पैनिक हो गया और भाग गया। क्या वो भाग गया? हाँ, मैं जरा तुम लोगों के साथ। वो प्यार से भाग रहा है जैसे कि लोग भागते हैं। सनम, मुझे एक एडवाइस दो, क्या कभी भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या फिर मैं हमेशा ऐसे अकेले ही रहूंगी? अगर मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती तो मैं ऐसी होती क्या, बताओ? मुझे उससे मिलना जरूरी है, मेरा मतलब मैं और वो दोनों अकेले हो तो वो काफी अच्छा फील करेगा, शायद वो कन्फेस करे। तुम ऐसा कहती हो? तुम्हें इसे करवाना ही पड़ेगा सनम। सनम, तुम्हारा केस तो मुझसे भी ज्यादा खराब है, कसम से। इससे पहले मैं मेरा कॉन्फिडेंस खो दूं, मैं फोन रख रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम नहीं, मुझे सोल्यूशन मिल गया है भाई, मैं बस अभी आई। सोल्यूशन मगर किस बात का? हाँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ जानता हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा, इसको फाइल करके बाकी फाइल्स के पास रख देना। गाइस, एक मिनट समझ जाए ना, सुनो। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपके कोई नोट्स है कस्टमर्स के लिए सब ले लो, हमें डिस्कस करना है, हमें बहुत जरूरी काम है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो हमें फिर से नए आइडियाज पर काम करना होगा, और जितना जल्दी हो सके उतना, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो जल्दी अपने काम पर लग जाओ। चलो चलो, सब लोग काम पर लग जाओ। प्लीज, मिस्टर जान के आइडियाज की फाइल बना ली क्या तुमने? हाँ, ये लीजिए, फाइल रेडी है। सुपर, बहुत अच्छे गुलिस, थैंक यू। जे क्या? थैंक यू गुलिस, तुम बहुत ही सुपर हो, बहुत ही अच्छा काम करती हो। उसको छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे? मैं और क्या करूँगा, हर चीज फाइल कर रहा हूँ, एजेंसी में सारे लोग परेशान हैं, बड़ा अजीब सा सोचने लगे हैं, अब मेरी बात कोई सुने तो ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ फोकस करूँ, बताइए मुझे। जी, इस वक्त तो तुम मेरी जिंदगी की सारी एनर्जी निकाल रहे हो, अब मुझे कुछ काम ढूंढ कर तुम्हें देना होगा। अरे हाँ, मुझे वो मीटिंग रूम में जो कुछ हुआ उसके सारे नोट्स बना कर दो, लेकिन उसमें से जो बेवकूफी वाली बातें थी उनको निकाल देना। चलो जल्दी काम पर लग जाओ। सनम, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं लैला, मैं इस वक्त बिजी हूँ। I'm so sorry सनम, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकी, I'm so sorry। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती लैला। सनम, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे वक्त लगेगा ऐसा करने में। ठीक है, ओके जान, मैं चलती हूँ।
तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, हम टच में रहेंगे। पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। मैं अभी भी वही नंबर यूज कर रहा हूँ। मैंने बहुत से फोन चेंज किए ना, तो तुम्हारा नंबर कहीं मिस हो गया है। दे दो, मैं सेव करके रखूंगी। तुम सबका बैकअप लेकर नहीं रखती हो क्या? ओ नहीं, मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ तो इसलिए नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम अपना फोन दो। ये देखो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम सेव कर सकती हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड वेरी इजी टू यूज। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ये सब क्यों नहीं पता चला? जान, तुम्हें सच में इसकी ग्रेट नॉलेज है। वेल, थैंक यू सो मच, और मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे। सुपर्ब। हम टच में रहेंगे, खो मत जाना। मैं कैसे खोज सकती हूँ? नहीं नहीं, अब तो मिलना होता रहेगा। निकलो, मैं फंस गया, निकल नहीं सकता। उम्मीद मत रखना, मैं कुछ नहीं करने वाली। क्या मुझे तुमसे ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? आई मीन, सब कुछ तो तुमने देख ही लिया है आज। लेकिन तुम्हें ये जॉब चाहिए ना, तभी तो इसके पीछे पड़े हो। हाँ बिल्कुल चाहिए। ओह टिपिकल जान, तुम नहीं बदल सकते कभी नहीं। ओके फिर से मिलेंगे। ओके तुम अपना ख्याल रखो। ये क्या था? हैव अ गुड डे। ऑलराइट बाय। जाओ जाओ यहाँ से। वहाँ क्या कर रहे हो? अप्लाई किस क्यों दे रहे थे? ऐसे ही मजे ले रहा था, तुम मुझसे क्यों लिपट रही हो? अब ये औरत है, ओ गॉड कैसा बर्ताव कर रहे थे। जान, अच्छा ये तो बताओ, जॉब के बारे में कुछ बात की क्या उसने तुमसे? किसने? गामसे ने? नहीं, हमने बिजनेस की कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं हुई तो फिर इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी? पुराने दिनों की बात कर रहे थे। गामसे मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब बहुत पुरानी दोस्त, मतलब हम बचपन से जानते एक दूसरे को, और कुछ नहीं। मैं समझ गई। ओके अच्छा मेरे पास दो टिकट्स है कॉन्सर्ट की, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम आओगी ना? कैसे नहीं आऊंगा मैं, ये मेरा फेवरेट बैंड है। पर तुम्हें टिकट्स कहाँ से? मैं जानती हूँ तुम्हारा फेवरेट बैंड है, मेरा एक करीबी दोस्त उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, बस उसी ने अरेंज करवा दिया। क्या बात है, इसी बात पर गले लगो। तुम सुपर हो जान, लेकिन इनको संभाल कर रखना, बहुत प्रेशर है ये, बहुत प्रेशर। ठीक है जान, टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। सच में? ओके ठीक है। आते हो बाजू, हमें जाने दो। आ जाइए मिस डेरन। जान एक मिनट इधर दो। मैटन ये सब क्या है? जान यहाँ दो। सच बताओ, तुम क्या भेज रहे हो मेरी मॉम को? जान मैं समझाता हूँ। तुम ये सब रख सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से लेकर मेरी मॉम को भेज रहे हो सब चीजें। जान तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैथन तुम इस बात पर तो यकीन करते हो ना कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ मैथन बोलो, इतना तो समझते हो ना, बेवकूफ तो हो नहीं तुम। मुझे झूठे और फरेबी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है? आज के बाद से तुम मेरे लॉयर नहीं हो, ये मेरा उसूल है। ये क्या लेकर आए हैं आप लोग, क्या फायदा है इसका? ये चावल अचार और पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं, इसे क्या दुकान में जाकर बेचे हम लोग? रिश्वत दे रहे तो ढंग की रिश्वत तो दीजिए, ऐसा रिश्वत दीजिए जो कुछ काम आ सके। हम रिश्वत देने की क्लेश भरे पर हमारे पास तो यही है जो था लेकर आ गए। चुप हो जाओ, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ?
मैं रिश्वत लूंगी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगी, ना कि तुम्हारी ये रिश्वत की चीजें लेकर करूंगी जो लेकर आ गए। मैं क्या ऐसी वैसी हूँ, मुझे ऐसा समझा? हमारा काम कर दो, हम इसलिए लेकर आए हैं। रख लो रिश्वत, नहीं है रख लो ना। सुनिए, प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही बहुत बुरी बात है। देखिए, हमें मोहल्ले में मिलजुल कर रहना है, तो जरा अच्छे से पेश आइए, मैं हूँ ना आपके काम के लिए। सही कहा, हम सब एक होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे हम सब। अरे बाप रे, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है मैंने। इनके क्या करूँ, कैसे होगा पता नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसे हार नहीं सकती। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको कंट्रोल करने का आइडिया मेरे पास है। अगर इलेक्ट्रिक शॉक से काम नहीं बना तो हम पेपर स्प्रे यूज करेंगे, ये भी बहुत काम की चीज है। मुजफ्फर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मैं अंधा हो गया हूँ। ओके गाइस, आप लोगों ने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोग थक भी गए हैं, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर जॉन। थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉन। मैं जा रही हूँ, मुझे तैयार भी होना है, हम लोग कॉन्सर्ट से एक घंटा पहले मिलेंगे। ओके ओके, मिलते हैं। जॉन, वहाँ एक इटालियन रेस्टोरेंट भी है, हम वहाँ पर डिनर कर सकते हैं, पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है। वो बिल्कुल कॉन्सर्ट हॉल के सामने है और वो सच में बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है। ओके ओके, डिनर भी साथ में करते हैं, कोई बात नहीं। हेलो डैड, आज मुझे जरा देर हो जाएगी तो मैं अहान के यहाँ रुक जाऊंगी, मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? रखती हूँ, बाय। Hayaldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.